जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जी बच्चों, आज हम करने वाले हैं क्लास 9th की मैथ चैप्टर आपका 1 और एक्सरसाइज 1.4। और उसके बच्चे क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, जिसमें ज़र्बी मलूम पूछा है कि ज़र्बी हासिल मलूम करें, मतलब है कि आपने कारकों को ज़र्ब देना है, ज़र्बी असर का मतलब इनका हासिल ज़र्ब ही आपको मलूम करना है। तो बच्चे याद रख लें, लेफ्ट साइड वाले कारक को राइट साइड वाले कारक से हमेशा मल्टीप्लाई किया जाता है, और जो लेफ्ट साइड पे आपका कॉलम होता है उसमें रॉ को इन कतारों को दूसरे कॉलम के कॉलमों से आपने मल्टीप्लाई करना है। जी बच्चों, अब चलते हैं अपने सवाल की तरफ। तो पहला कॉलम आपके पास जो दिया गया लेफ्ट साइड वाला है, इसमें पहली रॉ को आपने लेना है और कॉलम के दूसरा कॉलम जो आपका है उसके पहले कॉलम से आपने मल्टीप्लाई कर देना है। यानी पहला रुकन आपके कतार का 2 है और इस कॉलम का पहला रुकन भी आपका 2 है, तो आपने बच्चे 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। इसके बाद आपने जमा की लागत लगानी है, और पहली रो का दूसरा रुकन आपके पास 3 है, जबकि इस कॉलम का दूसरा रुकन भी आपके पास 3 है, तो ये 3 बच्चे आपका 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है जी, पहले लेफ्ट साइड वाले कॉलम की पहली रो को आपने लेना है, दूसरे कॉलम के पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कर देना है। फिर इसी रो को आपने उसी रो जो पहली रो को ही आपने पहले कॉलम के लेना है, और कॉलम के जो दूसरा कॉलम आपके लिए उसके दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई कर देना है। इसका पहला रुकन रो का 2 है और इस कॉलम का पहला रुकन जो आपके पास है माइनस का 1 है। तो बच्चे आपने यहाँ पर छोटी सी ब्रैकेट भी लगा दी है, वजह यह है कि दो अलाम के आगे ज़र्ब के अलाम का माइनस के अलावा तो सिर्फ ब्रैकेट भी लगाते हैं। इसके बाद दूसरा रुकन इस रो का 3 है और इस कॉलम का दूसरा जमा के अलावा बच्चे आपने लगा दी है, तो 3 आपका 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आपने दूसरी रो इसी पहले कॉलम की दूसरी रो को पकड़ना है, जिसमें जिसको वन वन आपके जो होते हैं वो अरकान दिए गए, पहले कॉलम से आपने मल्टीप्लाई करने हैं, तो आपके पास ये इसका पहला रुकन 1 है और इस कॉलम का पहला रुकन जो आपके पास बचे 2 है। इसके बाद आपने जमा की लागत लगानी है, और इस रो का दूसरा रुकन आपके पास 1 है और इस कॉलम का दूसरा रुकन आपके पास 3 है, तो 1 आपका 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसी रो को आपने रखना है और अगले कॉलम से मल्टीप्लाई कर देना है, ये आपका 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस के 1 से, और आगे आपके प्लस की अलामत है, और ये वाला 1 आपके मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 से। तो बच्चे आप पहले कतार को पहले कॉलम से, तीसरी कतार को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई हो गया, दूसरी इसकी कतार ये रो थी 1 थे, इसको आपने पहले कॉलम से मल्टीप्लाई किया। ठीक है जी, तो आप इसी कतार को आपने दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई कर देना है। अब हम इसको तीसरी कतार से जो होती है मल्टीप्लाई करेंगे, आपने तीसरी कतार को लेना है पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कर लेना है, तो इसका पहला रुकन आपका 0 है और दूसरा कॉलम का दूसरा रुकन आपके पास बचे 2 है, तो 0 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसके बाद आपने जमा की अलामत निकाली है, इस कतार का दूसरा रुकन आपके पास माइनस के 2 है इंटू ये ज़र्ब की अलामत, और इस कॉलम का दूसरा रुकन बचे आपके पास 3 है, क्योंकि ये आपके पास माइनस की अलामत आ गई, और इसके बाद ब्रैकेट के बाहर आपकी जमा के अलावा इसलिए आपने छोटी ब्रैकेट लगानी है। अब ये इसी आपने रो को ले रहे हैं, अगले कॉलम जो आपके पास है उससे उसको मल्टीप्लाई कर देना है, तो बच्चे आपका 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस के 1 से, तो यहाँ पे आपने छोटी ब्रैकेट भी लगानी है। ठीक है जी, इसके बाद जमा के अलावा है और ये माइनस के 2 आपके मल्टीप्लाई हो जाएंगे 0 से, और यहाँ भी आपने छोटी ब्रैकेट लगानी है, क्योंकि 2 अलामतें आ जाती है। इसके बाद आपकी कॉलम की अलामत है, आपके 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, आपके पास आ जाएंगे 4, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो बच्चे आपके पास आ जाएंगे 9, 1 से मल्टीप्लाई है आपके पास आ जाएंगे 2, उसके बाद प्लस है 3, 1 से मल्टीप्लाई आपके पास 3, और ये वाले 2 आपके मल्टीप्लाई हो रहे थे 0 से, तो बच्चे आपके पास आ जाएगा 0, और ये आपके माइनस के 2 मल्टीप्लाई हो रहे थे 3 से, तो आपके पास आ जाएंगे माइनस के 6, क्योंकि मल्टीप्लाई होने वाली एक रकम के साथ माइनस की अलामत है, तो आपके पास आ जाएगा माइनस के 6। अब ये 2 माइनस के 1 से मल्टीप्लाई, तो आपके पास आ जाएगा माइनस के 2, और 3 0 से मल्टीप्लाई बच्चे आपका पास आ जाएगा 0। तो ये देख रहे हैं ज़र्ब खाने वाली रकम सिर्फ एक है, जब ज़र्ब खाने वाली रकम जिसके साथ माइनस की अलामत लगी हुई है, अगर आपका ज़र्ब खाने वाली अलामतों की तादाद ता और जामा में से मनफी पे आता है, अब इसको हम देखिए कि ये जमा का है और माइनस का है, इसमें बच्चे माइनस की रकम एक ही है, तो ये जमा में माइनस से मल्टीप्लाई हो तो आपका आ जाएगा माइनस का 1, ये माइनस का 1, और इसी तरह आपका 1 0 से मल्टीप्लाई हो तो आपके पास आ जाएगा 0, और ये आपके पास 0 जमा से मल्टीप्लाई करे रकम से मल्टीप्लाई करे या माइनस करे तो आपका जवाब हमेशा 0 ही आता है, और इसे माइनस के 2 जब 0 से मल्टीप्लाई करेगा तो बच्चों ये भी आपका आ जाएगा 0, और ये आपके बच्चे जमा हो जाएंगे 4 है 9 तो आपके पास आ जाएगा 13 है, 2 है जमा के 3 5 आ गए, 0 माइनस के 6
बचे आपके पास माइनस के 6 बचेंगे, माइनस के 2 है 0, तो 0 आपका वैसे रहेगा, ये माइनस का 1 आ जाएगा और ये बचा आपका 0 है, क्योंकि 0 किसी भी रकम में जमा या माइनस हो जाए उस रकम पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उसी तरह आपका आंसर आ जाएगा जी। बच्चों इसके चलते हैं जो नंबर 2 की तरफ, तो बच्चों आपने शॉर्ट क्वेश्चन याद रखने हैं, इसको इसी तरह हमने पहली रो को लेना है, पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी पहले कॉलम के हाथ पहला रो पहले रो से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके तार का दूसरा रो कॉलम के दूसरे रो से मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसके तार का तीसरा रो कॉलम के तीसरे रो से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1 आपका 1 से ये 1 जरा 1 आगे बच्चे आपने जमा की अलामत लगा ली है, आपका 2 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके बाद फिर आपने जमा की अलामत लगा ली है और 3 आपके माइनस के 1 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो आपके पास माइनस का 1 और इसका आपने ब्रैकेट की छोटी लगानी है कि बच्चे इसी रो को आपने लेना है, अगले कॉलम के दूसरे कॉलम से आपने मल्टीप्लाई कर देना, ये आपका 1 2 से थोड़ा सा गैप डाल भी छोड़ दें, अगर आपका क्वेश्चन गलत हो तो स्टूडेंट्स को इकट्ठा लेके तो बच्चों आपका क्वेश्चन गलत हो गया, पहला रो पहले से मल्टीप्लाई है, दूसरा रो कॉलम के दूसरे ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में आपने जमा की अलावा लगा ली, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, आगे फिर आपने प्लस की अलावा लगा ली है और ये वाले 3 जो आपके हैं ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 3 आपका आ जाएगा बच्चे 1 जी। इसके बाद आते हैं जी हम दूसरे इसके रॉ को लेंगे, पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 4 आपके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 4 × 1 है जमा बच्चे आपकी अलावा लगा ली है, दूसरा रो आपके कॉलम के दूसरे ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 सर हम 3 लिखेंगे, आगे जमा की अलावत है और ये 6 जो हो गए आपके माइनस के 1 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यहाँ पे आपने छोटी ब्रैकेट भी लगानी है। बच्चों गैप करो इस तरह छोड़े इसी कतार को कॉलम से ऊपर आपने मल्टीप्लाई कर लें, 4 आपके 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इसके बाद आपने जमा की अलावत लगानी है, दूसरा रुकन 5 है, इस रो का दूसरा रुकन 5 है और कॉलम का दूसरा रुकन आपके पास 4 है, तो 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, आगे उस तरह आपने जमा की अलावत लगानी है और इस कतार का आखिरी नंबर 6 है और इस कॉलम का आखिरी नंबर आपके पास 1 है, तो 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बच्चे 1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास 1 ही आ जाएगा, 2 3 से मल्टीप्लाई होंगे आपके पास आ जाएगा 6 है और ये 3 माइनस के 1 से मल्टीप्लाई तो आपके पास आ जाएगा माइनस के 3 और इसके बाद 4 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके 4 आ गए, 3 5 से मल्टीप्लाई होंगे तो जमा के आपके पास 15 और जमा के 6 माइनस 1 से मल्टीप्लाई तो बच्चे आपके पास आ जाएगा माइनस के 6 और इसी तरह आपके 1 2 से मल्टीप्लाई आपके पास आ जाएगा 2, फिर इसको गैप लगा के बच्चे छोड़ना है और 2 4 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास बच्चे आ जाएगा 8 और इस तरह 3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आ जाएगा 3 और नीचे वाले 2 4 से मल्टीप्लाई तो आपके पास आ जाएगा 8, इस तरह 5 4 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आ जाएंगे 20 और 6 जब 1 से मल्टीप्लाई बच्चे आपके पास आ जाएंगे 6। आप इन सभी को जमा कर ले, चाहे एक स्टेप में जमा कर ले, चाहे आप दो स्टेप में कर ले, दोनों सूत्र बच्चे आपका ठीक है, इस तरह भी कर सकते हैं, 6 को 1 में जमा करें तो आपके पास आएंगे 7 माइनस के आपके पास 3 है, तो इस तरह 15 और 4 आपके पास बच्चे में 19 माइनस के आपके 6 है, इकट्ठे भी आप कर सकते हैं तो ये दोनों सूत्र में आपका ठीक हो जाएगा और ये तो मेरा है ये साल आपके बच्चे आ जाएंगे 13 है और 20 है जमा के 28 28 और 6 आपके हो जाएंगे 34 जमा के आपके पास 7 है, 7 में से आपके 3 माइनस के निकल गए आपके पास बच्चे आ गए 4 और ये आपके पास 19 है, 19 से आपके निकल जाएंगे 6 बच्चे आपके पास बचे जमा के 13 और ये भी आपके पास 13 है और ये आपके पास 34 34 है और ये बच्चों आपका आंसर है। तो ये क्वेश्चन भी आपके पेपर में 2 नंबर का ही आता है बच्चों, ये लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है और ये बड़े आए हुए बोर्ड के पेपर में बहुत ज्यादा बच्चे आपके आए हुए हैं। बच्चों आप इसके चलते हैं जिस आपका है सी, ये आपका सी जो है जिसके अरकान लिखे 1 2 3 4 माइनस का 1 है और माइनस का 1 है, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है 1 2 3 4 5 और 6। तो बच्चों रूल दोबारा आप देख रहे हैं, आपने पहले कतार को पकड़ना है कॉलम के दूसरे कॉलम के पहले कॉलम से आपने मल्टीप्लाई करना है, तो बच्चों यहाँ पर एक रूल भी है, तो आप देख रहे हैं इस कॉलम में कॉलमों की तादाद, पहले कॉलम में कॉलमों की तादाद आपके पास 2 है और दूसरे कॉलम में कतारों की तादाद 2 है, तो इसका मतलब यही बनता है कि आपके लेफ्ट साइड का जो कॉलम हो उसमें कॉलमों की तादाद राइट साइड वाले कॉलम में कतारों की तादाद के बराबर होनी चाहिए, फिर ही आपका जो होता है वो हासिल जरा मुमकिन होता है। आप इस कॉलम को अगर देख लें
तो ये भी इसी तरह आपके पास देखिए कॉलम, इसमें पहले कॉलम देख लो, ऊपर से नीचे कॉलम होती है, वन कॉलम है, टू कॉलम है, थ्री कॉलम है, कॉलमों की तादाद तीन है, और इस कॉलम में देखें तो आपके पास रो की तादाद तीन है। तो इसका मतलब बच्चे ये रूल है कि लेफ्ट साइड वाला आपके पास जो कॉलम है इसमें कॉलमों की तादाद राइट साइड वाले कॉलम में कतारों की तादाद के बराबर हो तो उसको हम जरूर दे सकते हैं, वरना इसके हासिल जरूर मुमकिन नहीं होता। ये बच्चे आपने बराबर की अलामत लगानी है, कतार का पहला रुकन एक है, कॉलम का पहला रुकन भी एक है, एक को एक से हम जरूर दे देंगे। इसके बाद आपने जमा की अलामत लगानी है, कतार का दूसरा रुकन आपका दो है, कॉलम का दूसरा रुकन आपके पास चार है, दो को चार से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बच्चे इसके बाद आपने जगह छोड़नी है क्योंकि आपका कॉलम खत्म हो गया, उसी कतार को आप रख दें, अगले कॉलम से मल्टीप्लाई कर लें, एक जरूर दो आपका आ जाएगा, जमा की अलामत लगानी है, दो आपके पास से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इसके बाद बच्चे फिर आपने खाली जगह छोड़ देनी क्योंकि आपकी कतार कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, अब उसी कतार को आपने भी रखना है, अगले कॉलम से मल्टीप्लाई कर लेना है, एक जरब आपके तीन हो जाएंगे और इसका दूसरा रुकन दो है और इसका दूसरा रुकन आपके पास छह है, तो दो आपका छह से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जी बच्चे अब हम इसकी पकड़ते हैं दूसरी रो को, पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका पहला रुकन बच्चे आपके पास तीन है इंटू और मल्टीप्लाई आपने कर रहे हैं वन से, इसके बाद जमा की अलामत आपने लगानी है, रो का दूसरा रुकन आपके पास है फोर और ये फोर कॉलम के दूसरे रुकन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, चार को चार से मल्टीप्लाई करेंगे। अब फिर आपने गैप छोड़ने हैं, इसी कतार को अगले कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कतार का पहला रुकन तीन है और दूसरे कॉलम का दूसरा रुकन आपके पास दो है और इस तरह चार आपके पांच से मल्टीप्लाई हो जाएगा, चार जरब हम लिखेंगे पांच। फिर बच्चे आपने गैप लाजमी छोड़ना है, अगर आप इसको इकट्ठा करके लिख देंगे क्रॉस क्रॉस कर तो बच्चे आपका गलत हो जाएगा। अब आपने तीसरी रो को पकड़े हैं, पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का एक जरब एक, आगे आपने जमा की अलामत लगानी है और दूसरे रुकन आपके पास वन है और कॉलम का आखिरी रुकन आपके पास बचे सिक्स या छह है। अब देखिए एक एक से जब जरब खाएगा आपका एक, दो चार से जरब खाएगा तो आपके पास बचे आ जाएंगे आठ, इस तरह तीन एक से जरब खाएगा आपके पास आ जाएगा तीन, चार चार से जरब खाएगा तो आपके पास आ जाएगा सोलह और अब दो एक से जरब खाएगा फिर यहाँ पे गैप लाजमी छोड़ रहा है, दो और दो पांच से जरब खाएगा आपके पास आ गया दस, दो तीन से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आ जाएगा छह और चार पांच से आपके बच्चे जरब खाएगा तो आपके पास आ जाता है बीस, तीन एक से जरब खाएगा आपके पास आ जाएगा तीन, जमा की अलामत आ गए हैं, दो आपका छह से जमा जरब खाएगा तो आपके पास आ जाएगा बारह, इस तरह माइनस का है और जमा का काम जरब खाएगा तो आपके पास आ जाएगा माइनस का है और छह एक से जरब खाएगा तो बच्चे आपके पास आ जाएंगे छह और ये आठ है, आठ और एक नौ आपस में हो जाएंगे जमा तो ये बच्चे आपके पास आ जाएगा नौ, ये तीन है और ये आपके पास है सोलह तो ये आपके पास आ जाएगा नाइनटीन या उन्नीस, दो को दस में जमा करें तो आपके पास आ जाएगा बारह, बीस है जमा के आपके पास छह है तो आपके पास है छब्बीस, बारह है बारह को तीन में जमा करें तो बच्चे आपके पास पंद्रह है, जमा के छह है माइनस का एक इसमें से निकल जाएगा और आपके पास आंसर आ जाएगा फाइव और ये बच्चों आपका आंसर है। ये बच्चों अब हम इसमें चलते हैं अगले जूस की तरफ जो कि आपके पास दिया गया डी, बड़ा अहम जूस है, अक्सर आपके पेपर बोर्ड के पेपर में भी और टेस्टों में भी अक्सर लगाया जाता है, छह और चार बच्चे ये दूर दूर ही आप लिख रहे हैं, अक्सर स्टूडेंट्स को क्रॉस ज्यादा क्रॉस लिख देते हैं तो आपका सवाल गलत हो जाना है, आपके पांच बटा दो और माइनस के फोर है और आगे बच्चे आपके पास है प्लस के फोर। तो बच्चे मल्टीप्लीकेशन का रूल बार बार ध्यान में रखें, पहला कॉलम कॉलम आपके पास दिए गए इसकी पहली रो को पकड़ना है, आपने पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है पहले, फिर इसी कतार को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, बराबर की अलामत पहले आपने लगा ली है, आपका आठ दो से मल्टीप्लाई हो जाएगा, आठ जरब आपके दो हो जाएंगे, जमा की अलामत आपने लगा ली और पांच आपके चार से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, चूंकि ये माइनस के चार है इसलिए आपने ब्रैकेट भी लगा ली है क्योंकि बाहर जरब की अलामत है इसलिए हम छोटी सी ब्रैकेट लगाते हैं। तो बच्चों अब आपने यहाँ पे गैप छोड़ना है, खाली जगह छोड़नी है, इसी किताब को जो कि जरब देने हैं अगले कॉलम से, आपके पास आठ है जरब इसे देंगे पांच बटा दो से, पहला रुकन आठ है और इस कॉलम का पहला रुकन माइनस पांच बटा दो, आगे आपने जमा की नाम लगानी है, पांच जरब खा जाएगा आपके चार से, ठीक है जी। पहली किताब को आपने पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कर लिया, उसी तरह पहली किताब को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई कर लिए, अब आपने दूसरी किताब को लेना है, पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, छह आपका दो से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके बाद आपने जमा की अलामत लगानी है,
आपका चार जमा का चार माइनस के चार से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह इसी के बाद आप लग रहे हैं अगले कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके पास जमा के छह है और ये सिर्फ खा जाएगा माइनस के पांच बटा दो से, जमा की लामत आप लगा दी है, ये चार आपके मल्टीप्लाई हो जाएंगे चार से, चार सर हम लिखेंगे चार। अब देखिए दो आठ से सिर्फ खाएगा तो आपके पास आ जाएंगे सोलह, और ये जमा के पांच माइनस के चार से सिर्फ खाएगा तो बच्चे आपके पास आ जाएंगे माइनस के बीस, क्योंकि सिर्फ खाने वाली रकम के एक है जिसके साथ माइनस की लामत लगी हुई है और एक होने की वजह से माइनस के बीस आएंगे, और छह दो से मल्टीप्लाई तो आपके पास आ जाएंगे बारह, और इस तरह इसमें भी देखिए तो ये माइनस के चार है एक रकम है और जमा वाली से मल्टीप्लाई तो आपके पास आ जाएंगे माइनस के सोलह, क्योंकि बच्चे आपने सर्व खाने वाली रकमें देखनी होगी जिनके साथ माइनस की लागत लगी हुई हो, अगर उनकी तादाद ताक में हो जिस तरह माइनस का चार है तो एक ये ताक है, इसलिए इसका जवाब हमेशा मल्टी में आएगा और इसको हम काट सकते हैं, तो ये आपके चार जो हो गए माइनस के पांच से मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो आपके पास आ जाएंगे माइनस के बीस, और आगे पांच चार से मल्टीप्लाई तो आपके पास आ जाएंगे प्लस के बीस। इसी तरह ये छह को भी तीन से काट दें, तीन जो होगा माइनस के पांच से मल्टीप्लाई होगा आपके पास आ जाएंगे माइनस के पंद्रह, और आगे आपके पास जमा की अलामत है सोलह। तो बच्चों यहाँ भी अक्सर स्टूडेंट गलती कर जाते हैं, माइनस के बीस है जमा के सोलह है तो आपके पास बीस में से आपने सोलह को निकाल देना है और मल्टी की अलामत बीस के साथ लगी जो कि रकम बड़ी है तो माइनस के आपके पास आ जाएंगे फोर। इसी तरह ये माइनस के सोलह है जमा के बारह है तो माइनस के सोलह में से जमा के बारह निकाल दे तो आपके पास आ जाएंगे माइनस के चार आ जाएंगे। वजह ये है कि चौदह जो थी माइनस की अलावा सोलह के साथ लगा दी और बड़ी रकम है इसलिए माइनस के चार रहेगी, और ये जमा के चार माइनस के बीस आपस में कैसे हो जाएंगे, माइनस के पंद्रह जमा के सोलह और जमा वाली रकम बड़ी है सोलह में से पंद्रह आपके निकल जाएंगे तो आपके पास जमा का एक आएगा। वजह जमा का एक इसलिए है कि आपके पास जमा वाली रकम जो सोलह है बड़ी है और माइनस वाली रकम जो आपके पास छोटी है, इसलिए इसका जवाब जमा का एक हमेशा आएगा। ये स्टूडेंट गलत कर जाते हैं जमा माइनस के अलावा, तो बच्चों ये थोड़ी सी प्रैक्टिस आप कर ले तो इंशाल्लाह आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जी बच्चे अब हम इसका चलते हैं आखिरी जोज की तरफ, ई जोज है माइनस इसके बाद आपका थ्री है इंटू जीरो 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 जीरो। तो बच्चों ये सवाल से देख रहे हैं तो बड़ा आसान है, कॉलम के अरकान ही सिफर है, सिफरी कॉलम है तो पहले रुकन का पहला कॉलम का हर रुकन जब इसे मल्टीप्लाई होगा तो ऑटोमेटिकली इसमें जीरो हो जाएगा, जिसका मतलब इसका आंसर जीरो आने के ही चांसेस है। तो पहली रो को आपने लेना है कॉलम पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कर देना है, पहला रुकन पहले रुकन से मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस का है इंटू जीरो हो जाएगा प्लस ये दो है ये आपके जीरो से मल्टीप्लाई हो जाएंगे प्लस जीरो इंटू दो, फिर आपने गैप लादमी छोड़ना है। इसी रॉ को आपने अगले कॉलम से मल्टीप्लाई कर देना माइनस का एक है जीरो है प्लस ये आपके दो है ये जीरो से मल्टीप्लाई हो जाएंगे दो इंटू जीरो। पहली कतार को आपने पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कर लिया, उसी पहली कतार को कॉलम के दूसरे आपने दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई कर लिया। अब आपने दूसरी कतार को लेना है पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, पहला रुकन इसका है एक है तो कॉलम का पहला रुकन बच्चे आपके पास जीरो है, यहाँ पे आपने प्लस की अलामत है बराबर की अलामत भी लगानी है और कॉलम की अलामत भी लाजमी लगानी है, ठीक है जी। तो दूसरा रुकन आपके पास तीन है और कॉलम का दूसरा रुकन आपके पास है जीरो, ये आपके पास आ जाएगा और इसी तरह इसी कतार को अगले कॉलम से आपने मल्टीप्लाई, पहला रुकन से मल्टीप्लाई हो जाएगा एक जरब आप लिखेंगे जीरो, आगे जमा की अलामत लगानी है ये तीन आपके जीरो से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, आगे ब्रैकेट लाजमी ये कॉलम की अलामत लाजमी लगानी है। तो बच्चे ये जीरो है एक से मल्टीप्लाई है आपके पास जीरो, इसी तरह दो जीरो से मल्टीप्लाई है आपके पास आ जाएगा जीरो, वन जीरो से मल्टीप्लाई आपके पास आ जाएगा जीरो, आपके थ्री है वो जीरो से मल्टीप्लाई आपके पास आ जाएगा जीरो, और इस तरह माइनस का वन है आपके जीरो से मल्टीप्लाई आपके पास आ जाएगा जीरो, दो जीरो से मल्टीप्लाई बच्चे आपके पास आ जाएगा जीरो, और ये भी आपके पास आ जाएगा जीरो, और ये क्योंकि आपको पता है कि जीरो किसी भी रकम से जब मल्टीप्लाई होता है तो आपका आंसर हमेशा जीरो ही आता है, तो बच्चे जीरो जीरो में जमा हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है तो आपका आंसर जो होगा जीरो ही आ जाएगा। तो ये बच्चे आपका आंसर है जो दो नंबर का आपके बच्चे जो पेपर में आता है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।